भाई इस वीडियो में मैं क्लच के बारे में बताऊंगा। जैसे कई बार बतेरे आदमी बेचारा जैसे गियर लगाने में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाए क्लच में थोड़े दिन के बाद, मेन कारण क्यों है, ये संसार जी से भाई हो हैं कुछ जो थोड़े ज़्यादा समझदार हो जाए हैं तो क्लच में पैर रख कर ट्रैक्टर चलाते रहे हैं। अपने क्लच में जैसे पैर रखा रहा है और ट्रैक्टर चलता रहा है, इसमें थोड़ा क्लच का मेन कारण है जो ये प्ले हो है, ये थोड़ी एक जो है ना हल्की सी वैसे दब जाए है, ये एक प्ले हो है, ये प्ले रखनी जरूरी हो है जिससे आपके क्लच प्लेट की लाइफ डबल हो जाएगी ऑलमोस्ट। क्योंकि बहुत सारे आदमी क्या कर कस्टमर क्या करते हैं बेचारे किसान भाई, उनको पता नहीं होता यहाँ पैर रखने की बजाय ना वो ये क्लच पे पैर रखे रहे हैं और जिससे क्या ये जो ये प्ले है ना ये दब जाए, इससे हल्की सी क्लच दब ही रह जाए उससे कि आपकी क्लच प्लेट ज़्यादा घिसेगी। और जैसे जैसे इसका घिसने का कैसे पता लगा, आपने ये क्लच प्लेट घिस गई घिस रही है या फिर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो ली उसमें, तो उससे बचने का तरीका ये होता है इसमें प्ले रखो अपनी थोड़ी सी, ये प्ले ऐसे चेक करते रहो अब दबा दबा प्ले। इस प्ले ने ख़त्म करने के लिए भाई जैसे माने तो प्ले अगर ख़त्म हो गई है और बाई चांस आप घर पर हो या किसी खेत में हो तो आपने लगा भाई हाँ गियर लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई है, तो आप उसको ठीक कर सकते हो। इसका सिंपल सा वे है, ये अपने अनुज इंजीनियर जी बताओगे, बताना जी कैसे कि ये एक नट लूज करना है इधर से, ये नट लूज करना होता है उसमें, ये नट लूज करके इसको चढ़ा दो बस राड, इसको टाइट कर दो और भी, हाँ बस टाइट करके। अच्छा इस राड ये फ्री प्ले देख लो, अच्छा ये फिर थोड़ी फ्री प्ले देख लो इस तरीके से एडजस्ट कर सको। और अपने 5 से 10 mm होनी चाहिए, 5 से 10 mm होनी चाहिए क्लच, इतनी थोड़ा सा प्ले रखनी चाहिए ताकि, और मेन तो ये है क्लच पैर रख कर ट्रैक्टर चलाना ही नहीं चाहिए, उससे आपकी क्लच जल्दी घिसेगी और जल्दी खत्म हो जाएगी, खराब होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाए। बड़ा आसान छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये चीज़ें आगे चल कर जो क्लच प्लेट पूरी पूरी चेंज करवानी पड़े बहुत कॉस्टली पड़े है और मेंटेनेंस के हिसाब से देखो तो ज़्यादा ही हो जाए और किसान फिर कहेगा भाई नहीं ट्रैक्टर में कमी है ये वो, ये कमी नहीं थोड़ा सा ये थोड़ा ड्राइव चलाने के तरीके होते हैं अपने अपने छोटे छोटे, ऑलमोस्ट सबको पता है कुछ को नहीं पता भी, तो भाई आप इससे पता लगा सकते हो और फिर अपने पूरी क्लच दबा गए अपना ट्रैक्टर आराम से ड्राइव करो चलाओ, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके गियर में। और ये क्लच प्लेट की लाइफ बढ़ाने के लिए भी है सबसे बेटर। अब जैसे ही भाई ने रख दी क्लच पे, ऐसे बहुत सारे ऐसे ना ऐसे रख कर चलाते रहे ट्रैक्टर ने तो ये प्ले ख़त्म हो, प्ले हल्की सी क्लच दबते अंदर क्लच लगनी स्टार्ट हो जाए जिससे आपकी क्लच प्लेट की लाइफ लगनी लग जा क्लच प्लेट ख़त्म होनी स्टार्ट हो घिसनी स्टार्ट हो जाए और ज़्यादा घिसेगी तो पेडल टाइट होता चला जाएगा। और ये एडवांटेज आप अपने ट्रैक्टर रख रखाव कर सकते हो बड़े प्यार से, और ये हर ट्रैक्टर में होता है, इसमें नहीं है कि किसी भी ट्रैक्टर में देखो ये क्लच तो सिंपल होता है, सब में बेसिक प्रिंसिपल होता है क्लच का वही। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, थैंक यू भाई। ठीक है भाई संसार, यो भाई संसार भाई बैठा हुआ आपने मेरे को इस ट्रैक्टर के बारे में बताया भाई, यो हवा बनाने थी बैठा था ट्रैक्टर में भाई हमने जो न्यू बैठा था छोरा वे खेत में थोड़ा हेल्दी है वाला के क्लच प्लेट में जो पांच दे रहे हैं तो यह रहा है दिक्कत, यह आए जा वाक्य में अपने सारे भाई हेल्दी पावे हैं ट्रैक्टर वाले। चलो भाई थैंक यू भाई।